हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एनके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एनके जैन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैगजेस्ट एनके जैन क्लासेस का मैगजेस्ट ओलंपियाड संभाग की सबसे बड़ी एक प्रतिभा खोज परीक्षा है। इसके तीन फेज होते हैं। एक फेज हो चुका है, अब उदयपुर शहर में दूसरे फेज का अनाउंसमेंट हो चुका है और जो बच्चे पहले फेज में एग्जाम दे चुके थे उनको ये एग्जाम नहीं देना है, लेकिन जो बच्चे जो उस एग्जाम को नहीं दे पाए उनके लिए ये मैगजेस्ट का सेकंड फेज है जिसमें उनको नया पेपर मिलेगा, राइट? क्योंकि चार फेज है तो चार अलग अलग तरह के पेपर हैं। तो मैं मैगजेस्ट के बारे में आपसे बता दूं, दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं। सबसे पहले, एक तो मैगजेस्ट जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ये पूर्णतया निःशुल्क है। नंबर वन, मैगजेस्ट एक ओलंपियाड है, ज्ञान की प्रतिभा की खोज परीक्षा है। 19 नवंबर संडे को होने जा रहा है, टाइम 9:30 to 10:30 है और एक घंटे का एक टेस्ट है। तो वीडियो में आपको मैं इसकी डिटेल बताऊं, उसके पहले कुछ चीजों को दिमाग में फिट कर लीजिए। बिल्कुल, आप ये जो मैगजेस्ट है एक ओलंपियाड है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी एक प्रतिभा खोज परीक्षा है। आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में आप बहुत सारा सम्मान पा सकते हैं और बहुत ज्यादा जो प्राइजेज हैं और स्कॉलरशिप है उसके हकदार बन सकते हैं और इन सब से ऊपर आप अपने आप में आत्मविश्वास लगा सकते हैं। तो मैगजेस्ट एग्जाम किस किस क्लास के लिए है, तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के लिए है ये। तो अगर आप 5th से लगा के 12th तक किसी भी क्लास के अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेड 5th to 8th केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन 9th to 12th हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो क्या आएगा सब्जेक्ट, उससे पहले फिर एक बार समझ लीजिए। क्लास 5 से क्लास 12th, ग्रेड 5th से ग्रेड 12th तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 5th क्लास 5 से क्लास 8 तक के दे सकते हैं। 5th से लगाकर 8th तक 5th, 6th, 7th, 8th हिंदी मीडियम में ये एग्जाम नहीं है, लेकिन 9th से 12th में आप हिंदी में मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। सिलेबस अगर आप 5th से 10th तक है तो साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जीके, एक तरह से आपके लेवल का, अगर आप 5th क्लास में तो आपको 5th लेवल तक का जीके, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके अंदर। लेकिन अगर आप 6th में तो 6th के ग्रेड का आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग और इस तरह से 9th, 10th तक चलेगा। 11th और 12th ये एग्जाम साइंस और कॉमर्स के लिए है। साइंस में अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जाम देंगे और अगर आप कॉमर्स में तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, हाँ मेंटल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज ये तो सबके लिए कॉमन है। तो पहली चीज, कौन एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज, क्या क्या सिलेबस होगा, आपकी क्लास का सिलेबस होगा जो आप पढ़ रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप नवंबर महीने में तो 70-80% कोर्स आपका हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेस्ट को देने से क्या फायदा है। तो नंबर वन, ये प्रतिभा खोज परीक्षा है तो आपका नॉलेज को आप चेक कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में आपका नाम आएगा कि आपने इसमें आपको प्राइज मिला है या आपने इसके अंदर ये अचीवमेंट है आपके के हाईएस्ट मार्क्स लाए, तो वो भी आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें और यहाँ पर है। तो अगर फर्स्ट प्राइज इसमें 10 बाइसाइकिल है तो 10 साइकिल है इसके अंदर, हर ग्रुप वाइज बना रखा है हमने। जो फर्स्ट टॉपर होगा उसको बाइसाइकिल मिलेगी, सेकेंड को स्मार्टफोन मिलेंगे, थर्ड को स्मार्ट वॉचेस मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 30 विशेष योग्यता सब्जेक्ट वाइज प्राप्त करेंगे। इट मींस अगर मान लो किसी ने साइंस में बहुत ज्यादा मार्क्स लाए हैं, कोई केमिस्ट्री में लाया, कोई फिजिक्स में, तो उन 30 बच्चों को हम एनके जैन क्लासेस की तरफ से अहमदाबाद की साइंस सिटी को बताएंगे और इसरो के वैज्ञानिक के साथ में, उस वैज्ञानिक के साथ में जो अभी मिशन चंद्रयान के भागीदार थे, वो आपको वहां पर गाइड करेंगे, उनका सेमिनार होगा। और इसके अलावा अगर आप एमके जैन क्लासेस में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी एक प्राइजेज हैं जो आपके रिस्पेक्ट के लिए और आपके हौसले को बढ़ाने के लिए हमने रखा है। एग्जाम पूर्णतया निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी तरह की आपको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की डेट है 19 नवंबर, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, संडे,
और जो समय है वो सुबह 9:30 to 10:30 वन आवर का है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर है नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर नियर माया मिष्ठान, उदयपुर का सेंटर में है ये जगह और बहुत फेमस है। अब फिर एक बार देख लीजिए, नवभारत स्कूल, नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस एग्जाम में फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए आप बड़ा सिंपल सा है कि आप इस QR कोड को यहाँ पर स्कैन करिए, ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन कर लीजिए और इस QR कोड को स्कैन करके इसमें पीछे फॉर्म निकलेगा गूगल फॉर्म, उसको आप भर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अदरवाइज आप ये जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं, अगर आप QR कोड से नहीं करना चाहते तो इस मोबाइल नंबर पर अपना नाम क्लास और मीडियम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरा था लेकिन किसी कारण से वो फर्स्ट वाले एग्जाम में नहीं आ पाए थे, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करना है, उनको केवल 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 रिपोर्ट करना है 19 नवंबर को, उनको केवल रिपोर्ट करना है नवभारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, ठीक है बराबर। और टाइम मैंने बता दिया 9:30 to 10:30 राइट। चलिए इंपॉर्टेंट ये है कि QR कोड से फॉर्म भरने के बाद में डायरेक्ट आपको 29 को एग्जाम देने ही आना है, आपको और कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार फॉर्म भरना बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट QR कोड को स्कैन करिए और फॉर्म भर दीजिए, बस फिर 29 को आना है। नहीं तो ये जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बच्चों आप सबको बिना देरी किए हुए इस मैगजेस्ट के फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि हम क्योंकि मैं 40 ईयर से IIT मेडिकल इन सब को पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चे इस तरह के ओलंपियाड के अंदर टॉपर आते हैं, इस तरह के ओलंपियाड को बार बार देते रहते हैं, क्योंकि किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिंग। तो आप ये टेस्ट जरूर दीजिए, उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी प्रतिभा खोज आप परीक्षा दीजिए, और अगर आप किसी भी मुकाम पे पहुंचते हैं तो पूरे उदयपुर संभाग के बच्चों के बीच आपका एक अलग स्थान बनेगा, सब लोग आपके बारे में जानेंगे और आपका अपना कॉन्फिडेंस तो बहुत ही बढ़ेगा। तो आप सबका मैगजेस्ट में वेलकम है, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम, हैप्पी दिवाली।